स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हिंदी का चैप्टर प्रकृति का संदेश। कविता है, ठीक है। पर्वत कहता शीश उठाकर, वो बोलते हैं जो पर्वत है वो हमें बोल रहा है कि आप अपना शीश मतलब सिर, ठीक है। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। पर्वत हमें कहता है कि मेरी तरह आप भी अपना सिर उठाकर ऊंचे बन जाओ। सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। सागर हमें पता है ना कितने गहरे होते हैं समुंदर, वो कहते हैं कि मेरी तरह आप भी अपने मन में गहराई लाओ, ठीक है। समझ रहे हो क्या कहती है। उठ उठ गिरकर तरल तरंग, तरल तरंग का मीनिंग होता है लहर। वो बोल रहे हैं कि आप समझ रहे हो ना कि तरंगे हमें क्या बोलती हैं, कभी ऊपर कभी नीचे जाकर हमें क्या कहना चाहती हैं। भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। मृदुल होता है कि कोमल, उमंग का मीनिंग मौज। वो बोलते हैं कि आप अपने मन में मीठी मीठी क्या भर लो, मौज भर लो, ठीक है। पृथ्वी कहती धैर्य ना छोड़ो कितना ही हो सिर पर भार। पृथ्वी मतलब धरती, धैर्य मतलब सब्र। पृथ्वी हमें क्या बोलती है कि अगर आपके सिर पे कितनी भी बड़ी मुश्किल आए तब भी आप अपना सब्र धैर्य ना छोड़ो, ठीक है। नभ कहता है फैलो इतना, नभ मतलब आकाश, आसमान। आसमान हमें कह रहा है कि आप इतना फैल जाओ, ढक लो तुम सारा संसार, कि आप अपने सारे संसार को ढक लो, इतना ज़्यादा आप फैल जाओ, ठीक है। ये जो हमारी कविता है आपने ये रीड करनी है अच्छे से, ठीक है। और इस कविता से हमें क्या संदेश मिलता है, क्या इसका मोरल क्या है कि प्रकृति सबसे अच्छी शिक्षक है, वो हमारी सबसे अच्छी क्या है, टीचर है।